अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैंने हैंड शावर की वीडियो अपलोड की थी जिसमें ये बताया था कि यहाँ से अगर पानी लीक हो रहा हो तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो मुझे उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है कि अगर इसका ये वाला बटन ख़राब हो तो उसको कैसे रिपेयर करना है या उसको कैसे ठीक करना है। अभी हमारे पास यहाँ पे दो हैंड शावर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों के साथ ही प्रॉब्लम है, हम देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि इस हैंड शावर का ये बटन बिल्कुल लूज़ है, बिल्कुल ख़राब है, और अब इसको भी रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। इसको देखेंगे कि इसको कैसे ठीक करना है, ये बिल्कुल। और दूसरा ये है, ये सोनेक्स का है, तो इसका भी एक इशू है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये हर वक्त ही ऑन रहता है। अगर ये इसका हम पीछे से वाल खोल देते हैं तो ये हर वक्त ऑन पोजीशन में रहता है। जब इसको हम दबाएंगे तो ये ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, जब छोड़ेंगे तो ये बंद नहीं होगा। इसका ये भी हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो नासरीन, सबसे पहले हम हैंड शावर को लेके इसके नीचे ये इस तरह की कोई चीज़ रखेंगे जिसके ज़रिए हम ये पिन को बाहर निकाल सकें, और ऊपर से कोई कील, कोई बारीक चीज़, किसी टाइप की इस तरह की चीज़ लेके तो हम थोड़ी सी ठोकर लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी, जिससे ये पिन बाहर निकल आए। उसके बाद हम इस पिन को दूसरी तरफ से प्लास वगैरह की मदद से बाहर निकाल लेंगे, और इस पिन को भी आपने एहतियात से रख लेना है। और ये इसका आपने बटन बाहर निकाल लिया, तो आप देख सकते हैं नाजरीन, ये बटन इसका इसमें टूटा हुआ है, ये देख लें, और इसके पीसेस इसके अंदर हैं, ये इसके पीसेस इसके अंदर हैं, ये दो पीसेस इसके साथ के बाहर इसके साथ निकले हैं। तो ये आप बटन मार्केट से नया पता कर लें और लाके नया लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट से बटन ये नहीं मिलता तो फिर हम इसे ही जोड़ेंगे, वो आपको मैं जोड़ के दिखा देता हूँ। इसी को जोड़ेंगे और फिर इसके साथ दोबारा अटैच करेंगे। लेकिन अब मसला ये है कि हमने ये देखना है कि ये बटन टूटा क्यों था, क्या वजह थी जिसकी वजह से ये बटन टूटा है। तो अभी हम इसको देखते हैं। ये नाज़रीन इसमें बहुत ज़्यादा सख्त है, इस वक्त वर्क नहीं कर रहा, ये बहुत टाइट है। इसे यहाँ जब इस तरह हम पीछे को करते हैं तो ये वापस आना चाहिए, ये इस वक्त बहुत टाइट है। या तो इसमें ग्रीस लगने वाली है और या फिर इसके कुछ स्प्रिंग का मसला है। तो हम इसको अब खोल के देखते हैं। कोई भी स्क्रू रेंच ले लें, उसको इस जगह पे रखें यहाँ आप, और इसे हाथ की मदद से घुमा के इसे खोल लें। ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता क्योंकि इसने टाइट होने की वजह से लीक बंद नहीं होती। इसकी लीक सिर्फ इस जगह के साथ टच हो जाए, बस इसके साथ टच हो जाए तो इसकी लीक बंद हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इस नट पे बहुत ज़्यादा धागा लगाएं या कोई टेफलॉन टाइप टेप लगाएं और फिर इसको कसें तो इसकी लीक बंद होगी। इसकी लीक सिर्फ इस जगह से बंद होती है, इस तरह से बस। सो इसको एक दफ़ा साइड पे कर दें और आप देखें कि इस जगह पे ये एक प्लास्टिक की बोकी टाइप की चीज़ है, हमें इसको बाहर निकालना है। अब इसे थोड़ा सा एहतियात से निकाल लें ताकि इसकी ये ऊपर वाली जगह खराब ना हो। तो नासिर, ये बाकी आप तो प्लास लेके इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे मामूली सा घुमाने की कोशिश करें। ये देखें, ये घूम रहा है और इसको आराम से ये बाहर आ गया है। और नाज़रीन, मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी किया है कि आप हैंड शावर के प्रेशर को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप अच्छी कंपनी का किसी ब्रांड का शावर ख़रीद लें तो ही उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। जो लोकल ब्रांड का शावर होता है उसका प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। इसका प्रेशर का ताल्लुक प्लास्टिक का पाइप होता है उसकी मोटाई पे डिपेंड करता है। अगर उसकी मोटाई ज़्यादा है तो वो प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर उसकी मोटाई कम है तो वो प्रेशर कम होगा।
नाज़रीन, इसका टोटल मैकेनिज्म यही है। ये 1, 2, 3 और ये 4, एक बटन और एक अंदर जिसके अंदर से पानी गुजरता है, और जो स्प्रिंग जो उसको दबा के रखता है, और ये पीछे इसको जो बंद कर, जिससे ये स्प्रिंग और सारे मैकेनिज्म को इसके साथ जोड़ के रखते हैं। बस अभी हम अपने ये अंदर वाली जो सिलाई है इसको साफ करेंगे, ग्रीस लगाएंगे, और इसके ये स्प्रिंग को इसकी थोड़ी टेंशन बढ़ाएंगे। नाज़रीन, सम बहुत सारे केसेस में ये स्प्रिंग आपका खराब हो जाता है, गल जाता है। जब आप खोलें अंदर से, अगर स्प्रिंग टूटा हुआ निकले तो आप इसको स्प्रिंग मार्केट से नया ला के इसको स्प्रिंग लगा सकते हैं, फिर भी ये ठीक हो जाएगा। अभी हम इसके अंदर वाले मैकेनिज्म जो जाम हुआ हुआ था उसको ठीक करेंगे, ताकि हमारा ये बटन दोबारा नहीं टूटे। अभी हम इसको साफ कर लेंगे, उसके बाद इस पे ग्रीस लगाएंगे। तो नाज़रीन, अगर आपका शावर इस जगह से लीक है तो इसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को भी देख लेना लाजमी कि ये इस चीज़ में कोई कट शट तो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जब रबड़ के साथ टच होती है तो आपका पानी यहाँ से, इसकी लीकेज बंद होती है, और जब ये नीचे आता है तो यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका पानी यहाँ से लीक है, उसका ताल्लुक इस जगह से है। अगर आपका पानी इस बटन से लीक है, इस जगह से लीक है, बटन से लीक होता है यहां से, तो फिर आपका ये नीचे वाला हिस्सा, ये इतने हिस्से का ताल्लुक है, उस इस बटन से लीकेज का इस हिस्से से ताल्लुक है। तो आपने ये देखना है कि आपका ये जो इसका एंड पे, जो हम जिस चीज से इसको बंद कर देते हैं, उसके अंदर एक अदद रबड़ की सील होती है, ये रबड़ सील, ये हमारे, जब अगर यहां से पानी लीक हो रहा है तो वो यहां से इस सील से पानी लीक होता है, इस सील से पानी लीक होता है तो यहां से फिर निकलना शुरू हो जाता है। आपकी ये वाली सील खराब होती है, इसके अंदर वाली। अगर आपका, आप समझते हैं कि ये बटन आपका ठीक है, जैसे हमने निकाला तो वो टूटा हुआ निकला था, अगर आप समझते हैं कि आपका बटन ठीक है और फिर भी यहां से पानी लीक होता है इस जगह से, तो फिर आपकी ये रबड़ सील चेंज होने वाली है। ये आप या तो पूरे पूरे का पूरा नया मार्केट से ले लें, या सिर्फ अंदर वाली रबड़ सील भी मिल जाएगी तो वो लेके, तो आप इसमें ये निकाल के नई वाली रबड़ सील डाल के तो इसको फिर दोबारा कर सकते हैं, इसको ग्रीस वगैरह लगा के। तो नाज़रीन, इसमें दो चीजें होती हैं बस, एक ये आगे वाला हिस्सा और एक ये पीछे वाला। आपने यहां से भी लीक रोकनी है और यहां से भी रोकनी है, बस ये दो चीजों से लीक रोकनी है, और उसके बाद बटन का काम होता है बस, इसमें और कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। अगर आपका शावर यहां से लीक है तो इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हुई है, कर दी हुई है, और मुझे जो कमेंट्स में आया था कि हमारे बटन लीक होता है तो उसका ताल्लुक इतने हिस्से से, इतने पोर्शन से होता है। तो आप इसको इस जगह पे ग्रीस लगाएं, इस ग्रीस का पानी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये पानी के अंदर शामिल नहीं होती, बल्कि इतने से हिस्से पे भी लगा देंगे तो काम चलेगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा मूव नहीं करता किसी चीज में, सिर्फ इतना हिस्सा करता है। उसके बाद यहां पे भी ग्रीस लगाएं इस जगह पे, क्योंकि इसने भी मूव करना है, इस हिस्से ने भी। इसके जाम होने की वजह से मूविंग इसकी हार्ड हो गई थी, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा बटन पे एक्स्ट्रा जोर आया और बटन टूट गया। अभी हम ये वाला काम करके तो इसको इसके अंदर दोबारा फिट कर देंगे, और फिर स्प्रिंग पे भी थोड़ी ग्रीस लगा दें। स्प्रिंग की टेंशन हमने बढ़ा दी हुई थी, अभी इसको देख लेते हैं। और नाज़रीन, एक और चीज भी आपको इसके बारे में बता दूं, अगर आपका पानी यहां से लीक हो रहा है और आपकी अंदर वाली सील भी ठीक है और ये वाली इसकी सरफेस भी ठीक है, तो आपकी स्प्रिंग की टेंशन कम हो सकती है। अगर आपका स्प्रिंग इसको आगे अच्छी तरह धकेलेगा नहीं, इस तरह आगे अच्छी तरह धकेलेगा नहीं, तो यहां से पानी लीक होता रहेगा। इसलिए आप अपने स्प्रिंग पे ध्यान रखें कि अगर ये थोड़ा कम है, इसका ये वाया कम है, तो फिर इसकी टेंशन बढ़ा दें, कम से कम इस टाइप की कर लें। और वैसे भी आपको लगाते वक्त भी पता चल जाएगा कि ये इसका दबाव यहां पे इस जगह पे आ रहा है या नहीं आ रहा। इस जगह पे भी ग्रीस लगा दें, ये, और यहां से इसको थोड़ा पकड़ के रखें, क्योंकि पहले जाम था इसलिए ये बाहर खुद नहीं निकला था, निकालना पड़ा था, लेकिन अब इसको छोड़ेंगे तो ये बाहर निकलेगा, इसलिए इसको पकड़ के रखें और फिर
इसको इसके साथ कस दें। नासिन ये देख लें कि अगर आपका ये कसने के बावजूद यहां से इस जगह से पानी लीक होता है, तो आपने यहां इसके ऊपर धागा नहीं लपेटना, इसके ऊपर धागा नहीं लगाना, आपने यहां पे किसी चीज का धागा कर देना, क्योंकि इस जगह को थोड़ा सा मोटा कर देना है धागे से या टेफलॉन टेप से, ताकि जब आप इसको कसते जाएं तो ये चीज जो है, ये इसकी जो रबड़ आगे वाला हिस्सा है, ये आगे को जाए, बजाय कि आप इसको ज्यादा वाला कसें, हमें इस चीज को इसके साथ धकेलना है बस। तो ये जैसा अंदर से जिस तरह का बना हुआ है, ये जैसे कसता जाएगा ये रबड़ आगे आती जाएगी, ये आगे इसके साथ ज्यादा वाली अटैच होती जाएगी। इसलिए बाज दफा ऐसा होता है कि इस नट में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि ये इस रबड़ को आगे धकेल सके, इसलिए आपने इस चीज को यहां से थोड़ा सा इस जगह पे धागा लपेट देना है, ताकि ये थोड़ा सा भी कसे तो ये पाइप इसके साथ ज्यादा अटैच हो जाए और लीकेज बंद हो जाए। इसे आप हाथ से भी कस सकते हैं तो भी लीकेज बंद हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों तरफ से रबड़ है, लेकिन फिर भी रेंच की मदद से ही हाथ से ऐसे कसेंगे। अभी हम सिर्फ इस बटन को मैजिक के साथ जोड़ेंगे। तो नाजरीन, अगर आपको इसका बटन मार्केट से न्यू मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो आप इसी को जोड़ भी सकते हैं। एक पीस इसका यहाँ से टूटा हुआ है, ये यहाँ पे लगाएंगे हम, ये वाला पीस यहाँ से टूटा हुआ है, अंदर वाला प्लास्टिक का पाइप जैम हो गया था, इसके टूटने की वो वजह थी कि वो जैम था, वो काम नहीं करता था। हम इसे जब दबाते थे तो वो एक्स्ट्रा इस बटन का एक्स्ट्रा जोर लगा, जिसकी वजह से ये टूट गया। अभी हमने उसकी वो ग्रीस लगा के वो जो जैम था वो ख़त्म कर दिया है। अब ये बड़ा ज़बरदस्त अच्छे तरीके से मूव कर रहा है, ये देखें ये वापस आता है, पहले नहीं आता था, पहले जहाँ पे करते थे वहीं पे रुक जाता था। तो अभी हम इस बटन को मैजिक से जोड़ते हैं और उसके बाद हम इसको लगाते हैं। ये इपॉक्सी या डिपॉक्सी आपको जो भी मार्केट से मिले, नाज़रीन मेरा ये भी मशवरा है कि अगर आपका ये इस तरह का कोई हैंडल मुस्लिम शावर या हैंड शावर, मुस्लिम शावर पता नहीं कुछ लोग इसे कहते हैं, मैंने कहीं लिखा हुआ तो कभी नहीं देखा, मैं तो इसे हैंड शावर ही कहूँगा। तो जब भी ये कोई ख़राब हो तो इस टाइप का, तो अब बहुत ज़्यादा वाला ख़राब हो, आप चेंज करवाना चाहते हो, तो पुराने वाला संभाल के रख लें, क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट जो है वो आपके कभी भी काम आ सकते हैं। पहले हम इसमें थोड़ी सी मैजिक लगा के इसको एक जगह पे रख देंगे, ताकि ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा पक्का हो जाए, उसके बाद उसमें थोड़ा एक लेयर ऊपर थोड़ी सी लेयर एक्स्ट्रा चढ़ाएंगे, जिससे ये ज़्यादा वाला पक्का हो जाए। लेकिन आपने ये इसके अंदर वाली गुलाई को ज़रा ये गौर से देखना है कि ये अंदर वाली गुलाई में के अंदर हमने मैजिक नहीं लगानी, क्योंकि इसके अंदर पाइप ने मूव करना है यहाँ पे। तो अभी हम इसे सूखने के लिए रख देते हैं, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। ये नाजरीन कुछ देर बाद आप ये हार्ड हो चुका हुआ है, इसके साथ अटैच हो चुका हुआ है। अब मैं ये रेती की मदद से इसकी सरफेस को रब करूंगा, ताकि इसके ऊपर मैं ये मैजिक की एक छोटी सी लेयर और लगा दूं, ताकि वो उसके साथ बिल्कुल अटैच हो जाए और ये मजबूत जुड़ जाए। इस तरह मैं इसको हर तरफ से रब करूंगा और एक मैजिक की लेयर दोबारा लगा दूंगा। अभी नाज़रीन हमने इसके बटन को मैजिक लगा के जोड़ दिया हुआ है, इसके ये दोनों साइड्स इसकी इसके साथ कंफर्म कर ली हैं, पक्की कर ली हैं। अब हम रगड़ लेते हैं ताकि वो कहीं पे अड़े ना और स्मूथ मूविंग करें, कि मैजिक जो है वो थोड़ी बहुत बाहर ना निकली हो और उसकी वजह से अड़ना शुरू कर दे। तो ये इतनी सी फिनिशिंग करनी पड़ती है मैजिक लगाने के बाद। अब हम इसके वो पिन लगा लेते हैं। पिन देख लें नाजरीन, टेढ़ी तो नहीं है, अगर टेढ़ी है तो उसको भी थोड़ा सा सीधा कर लें। इसका तरीका नाजरीन ये होता है कि आप रोशनी की तरफ इसे करके देखेंगे तो आपको सारा नजर आना शुरू हो जाएगा दूसरी तरफ से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी लाइन क्लियर है। नाजरीन हमारा हैंड शावर बिल्कुल तैयार हो गया हुआ है, अभी ये मूव भी कर रहा है, ये इस तरह ये देखें, ये जो हमने मैजिक से जोड़ के लगाया है ये बिल्कुल बेहतरीन मूव कर रहा है।
अभी हम इसका पीछे से बाल खोल के देखते हैं कि क्या सीन है। ये नाज़रीन हमने वाल खोल दिया हुआ है, ये हमारा हैंड शावर कहीं से भी जरा भी लीक नहीं है। अभी हम इसको चला के देखते हैं। ये हमने चलाया तो हमारा हैंड शावर बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। हम बटन छोड़ते हैं तो वो बंद हो जाता है, बटन दबाते हैं तो वो चलना शुरू हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि वो इस वक्त बटन से भी लीक नहीं है, काम भी ठीक कर रहा है, यहां से भी लीक नहीं है। ये इसके अंदर जो पानी होता है वो थोड़ा सा निकलता रहता है, उसके बाद नहीं निकलता। इस वक्त हमारा हैंड शावर बिल्कुल ओके हो गया है। इसी तरह नाजरीन हमने जो दूसरा शावर देखा था, आपको दिखाया था, वो मैंने खोला है, तो उसकी ये चीज यहां पे हाथ रख के हम चेक करते हैं तो उसका ये अंदर वाला पाइप बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये ठीक काम कर रहा है, ये देखें ये मूव ठीक कर रहा है, वापस भी आता है। इसका सिर्फ और सिर्फ यही बटन का मसला था, इसका बटन भी टूट गया हुआ था, तो मैंने इसको भी जोड़ दिया हुआ है, इसको भी मैजिक लगा दी हुई है, ये देखें। तो इसे भी मैं दूसरे वाले शावर की तरह ही लगा के तो इसको मैं चला लूंगा। उम्मीद करता हूं नाज़रीन आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे इजाजत दें, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।